आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गहरे समुद्री अभियान पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिशन का उद्देश्य भारत को अपने समुद्री संसाधनों के माध्यम से 100 अरब रुपए से अधिक की नीली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। मिशन के उद्देश्य हैं जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में दीर्घकालिक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करना, महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए समुद्री प्रौद्योगिकियों का विकास करना, नौवहन और पानी के भीतर रोबोटिक्स विकसित करना, महासागरीय जलवायु परिवर्तन संबंधी सलाहकार सेवाएं प्रदान करना, अपतटीय आधारित बिल वणिनीकरण तकनीक विकसित करना और अक्षय ऊर्जा उत्पादन तकनीक विकसित करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोगियों में से एक है। इसके अतिरिक्त समुद्रयान, जो कि गहरे समुद्री अभियान का एक हिस्सा है, उसे 29 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला और अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है। समुद्रयान के लॉन्च के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जिसके पास उप समुद्री गतिविधियों व अभियानों के लिए इस तरह के पानी के नीचे कार्य करने वाले वाहन हैं। यह मिशन भारत के सतत विकास को सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।